दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज हमारे इस नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में काफ़ी कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज का जो व्लॉग है सबसे हटके है। और आज मैं हूँ अपने खेत में, ये है पीछे हम लोग का जो खेत है वो। और खेत में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आज पूरी टोली है। क्योंकि आज आपने शायद गाँव में कभी चींद का जो गाभा होता है अंदर एक वाइट वाला होता है, काफ़ी लोग जानते हैं जो गाँव से हैं, और जो शहर से शायद वो जानते नहीं होंगे। लेकिन जो जानते हैं उनको बता दूं मैं कि खाने का जो मज़ा है कितना आता है ना। तो आज मैं जा रहा हूं वहीं, और सुबह सुबह उठ के आ गया हूं। देखो बाल पूरे बिखरे हुए हैं, है ना। लेकिन मेरे साथ में जो है मेरे चाचा हैं और एक मेरा भाई है जो मेहनत करें, क्योंकि मुझे तो भाई काटते वाटते आता नहीं, क्योंकि मुझे टंगोली मारना वारना जो है ना, जो टंगिया होता है बड़ा वाला, वो सब मुझे नहीं बनता है। तो यार मज़ा बहुत आता है खाने में, तो आपको लेके चलता हूँ। देखो ना वो लोग जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा, है ना। वो देखो वो लोग जा रहे हैं, ये यहाँ पर है। आप चलते हैं खेत के अंदर, और आज आपको मैं स्टार्ट टू एंड पूरा बताऊँगा कितनी मेहनत करते हैं। अगर वक्त पड़ा तो शायद मुझे भी काटना पड़ सकता है टंगिया से, है ना। बाकी मुझे बनता है नहीं, तो ये लोग मेहनत करवाएंगे नहीं मुझे, मैं जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग हैं ये लोग। तो इनसे मिलवाता हूँ मैं, चलो चलते हैं गाभा खाने। चाचा एक बार काटने से पहले बार हाय कर लो सभी लोग को। अपनी अभी तैयारी कौन चल रही है अभी? सिंधी गावा। चलो खतरनाक जगह है, मैं यहाँ से पहले कूदता हूँ आराम से। ये वो जगह है, एक मिनट आराम से, थोड़ा सा घर से काफी है। ये भैया ये नाला है, बहुत बढ़िया सा गहरा सा, ऐसी जगह होती गांव में, है ना। और ये चालू है पिक्चर। भाई लॉकडाउन पे हम लोग यही कर रहे हैं सब, लॉकडाउन में कोरोना चल रहा है, बाहर कहीं जाने का नहीं, खेत में जाओ, खेत में जाओ गाभा खाओ, जो मिलता है वो खाओ। और सुबह सुबह मेरे को जो है अपने जो मेरा भाई है बड़ा भाई, उसने मुझे बोला कि भाई आज तू चल गाभा खाने के लिए। एक्चुअली मैं जा रहा था शूटिंग पे, मैंने सारे काम छोड़ दिया, अरे गाभा खाने आज आया वो। और हमारे चाचा पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं मैं अभी उससे बात ही करता हूँ ना, नंबर क्या बताए। क्या बढ़ता है इससे? इम्यूनिटी पावर बढ़ता है इससे, हम भी खा रहे सब लोग। आज ये चिंदी का नंबर है, उसके बाद में जिसको हम कल परसों में फिर से आएंगे, है ना, तो हम निशान लगा ले, मतलब बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद कहाँ गई, कहाँ गई ये वाली, ये दिख रही है आपको ये, इसके बाद में हम इसको काटेंगे। हम यही काम करेंगे जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता, हम खेत में रहेंगे, चिंदी का गाभा खाएंगे और फुल टाइम पास करेंगे। क्योंकि भाई देखो हमारे पास अब काम बचा नहीं है, सारी शूटिंग बंद है, हम खेत में रहेंगे और हम झाड़ी काटेंगे, और जिसको आना हो आ जाना। अच्छा ये बताओ मुझे कितने लोगों ने पहले चिंदी का गाभा खाए हुए हैं, मुझे कमेंट बताना। जिसने खाया हुआ है वही बताना, जिसने नहीं खाया मुझे बिल्कुल बताना मत कि हमें नहीं खाया। जिसने नहीं खाया भाई खा लेना, बहुत मज़ा आता है। और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये चीज़ से ओनली आपको गाँव में ही मिलेगी। मैं बचपन में पहले खाया करता था ये सब चीज़ें, लेकिन बचपन में उसके बाद में फिर क्या कि काम वगैरह मुंबई वगैरह जाना हुआ, तो फिर वहाँ पे कहाँ मिलता है गाभा, वहाँ तो बस काम काम काम। और मेरे ख्याल से मैं 8-10 साल बाद इस चीज़ को मैं चखने जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट। दोस्तों इसके पहले इन्हीं लोगों ने जो खाए थे इस गाभे को, वो गाभा ये वाला है, आपको बताता हूँ मैं ना, ऐसा निकलता है उसमें जी। यहाँ पर इन्होंने पहले खा चुका है, चल के देखते हैं कि भाई कितना कटा है अभी तक, कितना रेडी हुआ है। वैसे भी क्यों अपन मतलब ना तो कुछ काम कर रहे हैं, ना तो काट रहे हैं, ना पीट रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाने का एक्साइटमेंट ओनली अपने को, मज़ा इसका भी कुछ और है।
भाई लगे काटने के लिए, चाचा थक गए थोड़ा सा, थक गए आप क्या इम्यूनिटी पावर कम हो गया, खाने के बाद आ जाएगा, बाकी इसको बाद में फिर हम भी हाथ आजमाएंगे, एक दो कुल्हाड़ी मार के हाथ आजमाते हैं। मेहनत जारी है, बस थोड़ा ही वक्त बचा है, आप लोग जानने के लिए बेताब भाई कब निकलने वाला है, और दो तीन मिनट मतलब हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से तभी हो जाएगा तुरंत ही। फाइनली जो है भाई कट गया, देखो ये पेड़ अब कट चुका है, और अब एक दो कदम दूर है अभी और हम लोग, है ना, अब उसको ऑपरेशन चलेगा नीचे। चाचा इम्यूनिटी पावर बचा है कि नहीं? है ना, बचा है ना इम्यूनिटी पावर बचा हुआ है, और जब तक पावर तब तक हमारा काम चलता रहेगा दोस्तों। घर में अगर मम्मी कहती कि बेटा लकड़ी काट दे, जलाने की लकड़ी नहीं है, तो ये इंसान कभी लकड़ी नहीं काटता घर में कर इनका चाचा का तो कर ठीक है, क्योंकि उनका तो बन जाता है मामा, लेकिन वो इंसान कभी लकड़ी नहीं काटता घर में, लेकिन यहाँ पे काट रहा है, उसको उठा के लेके बेचारा इतनी मेहनत करता है इंसान ये एक अलग मजे जिंदगी, क्यों ये अलग अलग मजे होते, क्या प्यारे, ये काम नहीं है, ये काम तो मजा है, और ये सिर्फ गांव में मिलता है, क्यों गांव में मिलता है, कोई शहर में नहीं मिलेगा, आओ एंजॉय करते हैं थोड़ा आगे। दोस्तों एक के बाद एक लगातार संघर्ष जारी है, लगातार एक थक रहा है दूसरा पकड़ रहा है, एक थक रहा है फिर दूसरा पकड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष जो है देख सकते हो आप, हमारे चाचा लगातार कर रहे हैं और भाई, और फाइनली जो है अब वो अपनी कंडीशन पे आ चुका है, बस हम खाने वाले हैं, अब तुम देखते रहो, हम खाएंगे आप देखना, क्योंकि आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप जो ओनली मोबाइल में हो, हम यहाँ पर है। तो अब ये जो है एकदम फाइनल वाला शॉट है, ये देखो ये फाइनल शॉट, देखो ये आप निकलेगा इसके अंदर से गाबा, और मेरे ख्याल से दिख रहा है ये देखेगा आप, देखेगा फाइनल शॉट,
फाइनल शॉट पलटा दें एक बार, पलटा से मारे क्या ये देखो, ये देखो, ये बताई जा रही जगह बताई जा रही है, यहाँ पे मारेंगे तो विकेट मिलेगा। काफी अनुभव है, जिंदगी के 35 साल का अनुभव बताते हुए हमारे चाचा। कितने साल हो गया आप? 40 साल, 5 साल कम बताया मैंने। ये देखो, ये यार इधर काट लेना था। अब देखो ये ओरिजिनल गाप है, ये ओरिजिनल गाप है। ये देखो ये जी, लिप काटो काटो। ये देखो ये, ये देखो ये ओरिजिनल गाप। वीडियो में ट्रेंड वो हो जाता है ना। ले राज भाव, यह इम्यूनिटी बूस्टर, इसको खाने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों इतने देश में पूरी सिंध के झाड़ वाह, तो आप भी जाओ दंगिया उठाओ और फिर तब निकल जाओ। चौथा शिकार, चौथा शिकारी आ गया। तो दोस्तों अब हमने खा चुके हैं, खाने के बाद से थाली होती ना भरी वाली, वैसे ही जो है अभी हमारे पास बचा हुआ है। और ये जो है ये अब ये इसका खेल खत्म, के प्यारे है ना, इसका खेल खत्म हो गया। बाकी देखो इसमें पतलापन हल्का था, ये भी ठीक है। तो आपको एक कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताना मुझे आप, और किस किस लोगों ने गाबा पहले खा चुका है, या कोई खाने वाला वही बता दो कि जो जाने वाला है खेत की, आज आप टंगिया उठाकर जा रहे हैं। क्यों प्यारे, दो घंटे लगते ना पूरे, सो बस दो घंटे, दो घंटे की मेहनत है। अगर जिसमें दम होगा वही निकलना, गुस्से में निकल मत जाना टंगिया लेके अपना, क्योंकि वहां जाने के बाद अखर जाएगी। दो घंटे लगते हैं पूरे पूरे, उसके बाद ये कटता है और तब खाते हैं, है ना। तो चलिए कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना। ये मेरे बड़े भाई है, कहाँ ये मेरे बड़े भाई है, उंगली टेढ़ी भग रही है, और ये मेरे चाचा है। पूरी मेहनत इन लोगों ने करी है और मैंने खाया हूँ। चल ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नए वाले व्लॉग में। जय माता की, जय हिंद, जय हिंद।